अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर व्यूज ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, कल CBSE बोर्ड ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे एफिलेटेड स्कूल्स हैं उनका 10+2 का रिजल्ट पहले आया और कुछ ही समय बाद 10th का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और दोनों रिजल्ट्स कभी पहले एक साथ नहीं आते थे, लेकिन इस बार दोनों के दोनों रिजल्ट्स जो हैं एक साथ डिक्लेयर किए गए। और काफ़ी दिनों से अपडेट्स लगातार चैनल्स के माध्यम से आ रही थी, कैसा आएगा रिजल्ट, क्या होगी ट्रेंड्स और कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। तो उन्हीं शब्दों के साथ आज इस वीडियो को आपके साथ पूरा किया जाएगा। आज का जो मेरा विषय रहेगा, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th की बात करूँगा, और अगली वीडियो रहेगी हमारी आफ्टर 12th। तो आज हम पूरे गाइडेंस के साथ आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले रिजल्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कैसा रहा परिणाम इस बार। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो हमारी प्लस टू का रिजल्ट आया, ये हमारा कोविड वाला बैच था जिन्होंने 10th के पेपर्स नहीं दिए थे। तो इसी वजह से जो बोर्ड का ट्रेंड था वो लगभग 1.5 या 2% के करीब डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आया। चाहे हम 10वीं की बात करें, चाहे वो 12वीं की बात करें, तो ट्रेंड के अंदर जो है हमारे रिजल्ट्स गिरावट की तरफ नज़र आए। और इसका जो मुख्य कारण बताया गया वो कोविड की बात बताई गई, क्योंकि कोविड के कई साल बाद इस तरीके से फुल फ्लैच पेपर हुए। क्योंकि पिछले बार जो पेपर हुए थे वो टर्म्स के पेपर थे, हाफ ऑफ सिलेबस के पेपर्स थे, लेकिन अब जो पेपर हुए ये फुल टर्म के पेपर्स थे। इस कारण से गिरावट नज़र आई बोर्ड के रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स में लड़कियों के रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर रहे एज़ कम्पेयर टू परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, और बॉयज़ की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रही। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि 10वीं हमने कर ली है, अब आगे क्या करें। अब आपके पास, जैसे मैंने भी यहाँ पर यही लिखा है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th, वैसे तो बड़ी जनरल सी बात है, लेकिन एक नोट्स की फॉर्म में आपको ये बताया जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग 10th स्टैंडर्ड यू कैन एक्सप्लोर वेरियस फील्ड सच एज साइंस। साइंस वी हैव टू फील्ड्स, वन इज़ मेडिकल, वन इज़ नॉन मेडिकल। देन वी हैव इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मीन्स डिप्लोमा, इंजीनियरिंग मीन्स डिप्लोमा। You can do diploma after 10th. Then we have medicines. Medicines में you can do D-pharmacy. D-pharmacy आप कर सकते हैं, direct 10th के बाद आपका admission हो सकता है D-pharmacy के बाद। उसके बाद है commerce. Commerce में भी काफ़ी सारे आगे lines हैं। Commerce अगर आप करते हैं तो आप CA की तैयारी कर सकते हैं, company secretaryship की तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद optional रहता है हमारे पास arts. आर्ट्स के भी सब्जेक्ट काफ़ी मायने रखते हैं। आर्ट्स भी करके आप काफ़ी सारे फील्ड्स में जा सकते हैं, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। और उसके बाद आती है हमारी बारी वोकेशनल कोर्सेज की। वोकेशनल कोर्सेज आज की एक स्किल प्रोग्राम्स में आता है। तो बाकी तो ट्रेडिशनल स्टडीज़ हैं, और अगर हम वोकेशनल की बात करें तो वोकेशनल जो स्टडीज़ होते हैं, कोर्सेज होते हैं, लाइक वी हैव टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, वी हैव टेलरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक स्पेशलाइज कोर्स हो जाते हैं वोकेशनल कोर्सेज, और इसमें एडमिशन लेने के पश्चात आप एक स्किल पास आउट होने के बाद एक स्किल प्रोग्रामर बन जाएंगे, और आपको वहाँ पर जॉब्स भी मिलने के चांसेस बन जाते हैं। देन वी हैव द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन वी हैव एग्रीकल्चर, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर यू कैन गो, लाइक डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर यू कैन डू। डिफेंस सर्विसेज यू कैन डू फॉर द डिफेंस सर्विसेज, एंड देन वी हैव द सर्विसेज। तो ये हमारे सारे के सारे जो हमारे अपडेट्स हैं हमारे पास, ये आपके पास आ रहे हैं। अब अगर हम आगे चर्चा करें, काफ़ी सारे अपडेट्स हैं आप देख पा रहे हैं, जैसे कि न्यू डिप्लोमास आए हैं हमारे पास। न्यू डिप्लोमास क्या है, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, एंड अभी जैसे मैंने बताया था डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी। देन वी हैव होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म,
और इस तरीके से आप आगे शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं और मेडिकल लाइन आप ले सकते हैं, नॉन मेडिकल चुन सकते हैं और यू कैन डू डिप्लोमाज ऑल्सो। और अगर हम कंपेरिजन डिप्लोमा या फिर 10+2 की सिस्टम की बात करें तो डिप्लोमा इज़ ऑलवेज बेटर देन दैट ऑफ 10+2, क्योंकि 10+2 करने के बाद फिर अगेन यू हैव टू गिव कंपटीशन, देन यू हैव इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड देयर देन ओनली यू विल गेट द एडमिशन इन द हायर कोर्सेज। और इधर डिप्लोमा कर लेते हैं तो डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट एंट्रीज हैं आपकी कुछ कॉलेजेस के अंदर, लेटरल एंट्री के थ्रू यू कैन डू बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते तो यू कैन डू द जॉब्स ऑल्सो, यू कैन गेट अपॉइंटमेंट एज JEE जूनियर इंजीनियर्स और उसके बाद आप अपनी जॉब के साथ भी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका बेनिफिट है। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में जैसा मैंने समझाया कि कॉमर्स में हमारे पास क्या है, यू कैन डू द CA, साथ साथ CA की तैयारी करें, उसके बाद हमारे पास आ जाती है CA के साथ साथ आ जाती है कंपनी सेक्रेटरशिप और अंत में आता है आर्ट्स। आर्ट्स की पढ़ाई का भी ऐसा नहीं कि आर्ट्स की पढ़ाई करके आप कुछ नहीं बनते, आर्ट्स की पढ़ाई करके भी कई बच्चे एक फील्ड को चुन लेते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, पब्लिक एड, और फिर आगे वो UPSC की तैयारी करके IAS बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आपकी इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस में है उसी फील्ड को पढ़ें। और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है आपके अच्छे अंकों से आप पास होंगे, तो आपको अच्छे अंक मिलने वाले। और इसी के साथ ही अब इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ एजुकेट चैनल।